बीच में है क्या? मीटर बीच में क्या है? मीटर। मीटर का जगह कोई लिख दिया ग्राम और कोई लिख दिया लीटर। लीटर हम लोग लिक्विड के लिए, मीटर लेंथ के लिए, ग्राम क्या मास के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेस माना जाता है ना। अब देखो नीचे चलते छोटा साइज का मात्रक लेते हैं, है ना, यूनिट। तो क्या होगा जब जैसे ही मीटर से नीचे उतरेंगे तो पहला आएगा डेसी। क्या आएगा? डेसी। डेसी डेसी बोले तो मतलब कि एक स्टेप पे, यानी कि 10 डिवाइड किए, है ना, एक मीटर को 10 बार डिवाइड करेंगे तो डेसी आएगा। फिर इसके ठीक नीचे का डेसी से नीचे चले जाएंगे हम लोग तो आएगा सेंटी। दिख रहा है ना? चलो ठीक है, सेंटी। सेंटी से नीचे गए तो मिली। साथ में लगा सकते हो जैसे डेसी लीटर, डेसी मीटर, डेसी ग्राम, सेंटी लीटर, इसका प्रीफिक्स हो गया। ऊपर चलते हैं, मान लो इसे बड़ा यूनिट जाते देखने के लिए, तो क्या बनेगा पहला? पहला बनेगा डेका। यानी डेका ऊपर है, डेसी नीचे है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है बच्चों को। इसके बाद हेक्टो। क्या बोलेंगे हम लोग? हेक्टो। हेक्टो, हेक्टो से ऊपर चले गए तो किलो। मेन वही है किलो, लास्ट में किलो पहुँचते हैं हम लोग, किलोग्राम किलोमीटर लिखते हैं। अब कन्वर्जन कैसे था वो समझो। ये जो सीरीज अगर याद कर लिया अच्छे से, किलो हेक्टो डेका, फिर बेस वाला हम लोग का तीनों आ गया, डेसी सेंटी मिली। अब क्या है कि अगर कोई बोलेगा कि सर हमको ना एक डेसी मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, बता दीजिए। तो डेसी यहाँ है, इसको हम लोग देखेंगे, डेसी यहाँ है, मिली यहाँ है, तो कितना डिफरेंस गया? दो का गया, डेसी का दो स्टेप नीचे गए, दो स्टेप नीचे गए, यानी कि 2 0 आगे में हो गए 100। जितना स्टेप नीचे जाएंगे उतना जीरो आगे लगे, लास्ट में जीरो हो जाएगा, 10 का पावर चढ़ता है उतना। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो पॉइंट लगेगा। जैसे कोई बोलेगा कि सर मेरे पास ना 1 मिलीमीटर है, इसमें कितना सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 1 mm यहाँ है और cm यहाँ पर, 10 का डिफरेंस है, यानी कि 1/10। तो ये फ्रैक्शन लिख दिया 1/10, अगर चाहे तो इसको लोग 0.1 इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो पॉइंट में जाएगा, ऊपर से जाएंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि 100 10 का मल्टीपल होगा, यहाँ 1/10 का मल्टीपल होगा। अब जैसे कोई बोलेगा कि 1 लीटर में कितना किलो होता है, कोई लिख दिया इधर 1 लीटर और इधर लिख दिया डैश लिखे किलो लीटर, किलो लीटर, तो यहाँ पर 1000 नहीं लिखना है, इसलिए 1/1000 लिखना है, 1/1000। क्यों? क्योंकि यहाँ लीटर है 1 2 3, तो 3 ऊपर गए हम लोग, ऊपर गए मतलब हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर उसको डिवाइड करते हैं। जिसको ऐसे लिखो चाहे लिखो 0.001 KL। तो इस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो अगर अगले सीरीज अच्छा से याद कर ली एक बार तो समझो कि हम लोग का ये कन्वर्जन सीख जाएगा, ठीक है। ये सीरीज पे सारा चीज़ टिका हुआ है। जब भी हम लोग बड़ा यूनिट को छोटा करना होता तो 100 मल्टीप्लाई होता है, 10 मल्टीप्लाई होता है, जितना स्टेप नीचे जाएंगे। और अगर हम लोग छोटा यूनिट को बड़ा बनाना है तो उतना 10 मल्टीपल में डिवाइड करते हैं। यही है फंडामेंटल, ठीक है। अगर ये सीख लिया तो समझो कि काम हो गया हम लोग।